ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस ये जो कॉन्सेप्ट होगा गाइस हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी का मैं यूज करने वाला हूं इस वीडियो में सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग भी ऐसी फोटो को अगर एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, ताकि यार मैं भी देख सकूं यार कि आप लोग यार इंस्टाग्राम पे मतलब कि कैसी पोस्ट डाल रहे हो एंड गाइस कैसी एडिट कर रहे हो। तो गाइस इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो में बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को अपने मॉडल का जो है गाइस कुछ स्टेप से फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइस आपको उसको बैकग्राउंड रिस करने के लिए यहाँ पे यूज करना है ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में गाइस आपको अपनी फोटो को ले जाने के बाद क्या करना है, जहाँ पे आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस इरेजर टूल में जाना है, आप सभी को गाइस जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे रख लेना है। एंड गाइस फोटो को जूम करना है इस टाइप से, आप सभी कुछ फटाफट से इरेज कर लेना है। तो मैं इसको फटाफट इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस जब आप बैकग्राउंड क्रिएट कर लोगे तो गाइस आपको इस वाले बैकग्राउंड है जो गाइस अल्लू अर्जुन का गाइस आपको उसको डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से क्या करना है, आप सभी को जो आपने अभी मॉडल का कटआउट किया था गाइस आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस जैसे ही आप ऐड कर लोगे तो गाइस आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। तो गाइस आपसे फिर क्या करना है, फिर गाइस आपको अपने मॉडल को कुछ स्टेप से इतना साइज रखना है, ठीक है। हाइट जो होगी गाइस आपको अल्लू अर्जुन के हेड के हिसाब से आपको यहाँ पे हाइट रखनी है अपनी, ठीक है, तो आप रख लेना जैसे आप जितना चाहो। फिर उसके बाद गाइस जो आपका अल्लू अर्जुन का जो हैंड दिख रहा है गाइस आपको उसको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा ना इसको इरेज करके आपको फ्रंट की तरफ लाना है, ठीक है। तो आपका मॉडल कुछ स्टेप से इतना रख लेना, हाइट वगैरह आप देख लेना, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपसे जो अल्लू अर्जुन का हैंड है गाइस उसको इरेज करने के लिए पहले तो मतलब गाइस हमने पहले अपने मॉडल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा जो है इसका ब्राइटनेस हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं हल्का सा, कुछ अराउंड 4 तक कुछ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इतना परफेक्ट है। एंड गाइस इसका थोड़ा सा सैचुरेशन भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि यार सैचुरेशन मैनेज कर लेंगे तो दोनों का फेस मैच हो जाएगा ना। तो हम सैचुरेशन जो इसको कुछ रखते हैं -5 तक, ठीक है, तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे इतना हमने कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आगे आप सबको यहाँ पे अब करना है इसको डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन को जो हैंड आपको उसको फ्रंट की तरफ रखना है, तो उसके लिए मिरर टूल में जाएंगे एंड इसका जो हार्डनेस होगा उसको फुल कर देंगे। एंड जो साइज होगा उसको आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फोटो को जूम करना है, ठीक है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस अच्छे तरीके से एकदम प्यार प्यार से एकदम मतलब कि कोई आगे का एरिया इरेज ना हो जाए, इस तरीके से आपको यहाँ पर आराम से इरेज करना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट करता हूँ थोड़ा। सो गाइस देखिए इतना हमने कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है गाइस आपको यहाँ पे ओपेसिटीज की फुल कर देना है। एंड गाइस उसके बाद जो है आपको मतलब कि जो आपका मॉडल है हिम्मत सिंह उसके पीछे यार आपको ना थोड़ा सा मतलब कि शेडो बनानी, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैट फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से एक ब्लैक शीट होगी गाइस जिसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको इसका फुल साइज करना है, ठीक है। सॉरी गाइस ये थोड़ा सा मॉडल इधर हिल गया है, तो मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। सो गाइस ये लगा दिया मैंने मॉडल यहाँ पे। तो अब क्या करना है, आपको ये लेना ब्लैक शीट एंड उसके बाद आपको इसको कैसे करना है, आपको इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको जाना है इरेजर टूल में एंड इसको यहाँ पे आपको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद गाइस आप सबको फोटो को यहाँ पे अपनी जूम करना है, ठीक है, फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको साइज को कुछ अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे कुछ स्टेप से एक पेंट करना है, ठीक है, क्योंकि गाइस पीछे की तरफ शेडो हम इसी जगह पे बना सकते हैं, क्योंकि यही है हमारे बैकग्राउंड में ये पिलर टाइप का। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जो इसको इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो इसका थोड़ा सा एरिया इसको फील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक
यहाँ पे इंडो करके एंड यहाँ पे परफेक्ट है ठीक है। तो अभी क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम इसको करना है गाइज मूव टू डाउन। तो पहले क्या करेंगे, इसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड इसे मूव डाउन कर देना है। एंड उसके बाद आपको उसकी जो ओपेसिटी आप जितना चाहो उतना मर्जी रख सकते हो। एंड बाकी जो अल्लू अर्जुन के हैंड के ऊपर आ रहा है उसको हम यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर वापस से इरेज कर लेंगे। तो हम पहले इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर जो बाकी का एरिया हमें इरेज करना है हम क्या करेंगे, फोटो को जूम करेंगे, इरेजर लेंगे एंड ऐसे गाइज इसको हम कुछ स्टेप से इरेज कर देंगे ठीक है। सो देखिए काफ़ी परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, तो अभी हमें और भी चीज़ें करनी है इसमें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इतना तो काम हमारा हो चुका है, अभी क्या करते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको डन करते हैं ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डन कर लेते हैं एंड उसके बाद जो आपको क्या करना है आगे की तरफ, आप गाइज आपसे भी से जाना ऐड फोटो में अगेन ठीक है। यहाँ पे डन करने के बाद आपको जाना अगेन ऐड फोटो में एंड गाइज यहाँ से जो आपसे भी को एक स्मोक का पीएनजी लेना है ठीक है। स्मोक का पीएनजी गाइज ये वाला, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली गाइज जो मॉडल ने सिगरेट पकड़ा है आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे लग एंड इतना रख देने के बाद गाइज आपसे फिर करना है गाइज इसका जो ओपेसिटी को आपको हल्का सा कम कर लेना है ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ कम कर लेना, बाकी मतलब फुल मत रहने देना नहीं तो नकली सा लगेगा, तो आपको एडजस्टमेंट करनी है इसकी ठीक है। तो इतना कर देने के बाद गाइज आपको एक लास्ट पीएनजी और लगानी गाइज जो कि विग्नेट की, जिससे गाइज एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आएगा। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको इसको सिंपली ऐड करके एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है एंड आपको देखिएगा कुछ स्टेप से ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको ठीक है। तो बाकी गाइज सारे पीएनजी वगैरह हमने लगा दिए, यहाँ पे मॉडल भी लगा दिया है। अब गाइज हमारी बात आती है मेन चीज़ जो है हमारा कलर करेक्शन ठीक है, क्योंकि कलर करेक्शन के बिना तो हमारी फोटो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में हमने इसे पहले से ऐड कर रखा है। अब गाइज आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, इसका जो गाइज कॉन्ट्रास्ट होगा आपको इसको बढ़ा देना है एंड जो गाइज इसका हाईलाइट होगा आपको इसको थोड़ा सा माइनस नहीं प्लस कर देना है ठीक है। एंड इसके बाद जो शेडो होगा इसको गाइज आपको यहाँ पे कम करना है शेडो को ठीक है, शेडो को हम यहाँ पे कम कर लेंगे थोड़ा सा। एंड जो ब्लैक है गाइज इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, ब्लैक को बढ़ा देंगे एंड जो व्हाइट है गाइज इसका इसको हम थोड़ा कम कर देंगे ठीक है, व्हाइट को कम कर देंगे एंड जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में एंड जो इसकी वाइब्रेशन होगी गाइज इसको आपको बढ़ा देना है एंड जो है ऊपर की तरफ जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है इसको हल्का सा कम कर देना है क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्लू टोन चाहिए फोटो में। फिर जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन आपको इसको माइनस करना है ठीक है गाइज। तो इतना करने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है डार्क ब्लू में एंड इसका जो ह्यू है गाइज आप चेंज कर सकते हो ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा ना डार्क ऑरेंज चाहिए, तो मैं ह्यू आगे की तरफ बढ़ा दूंगा एंड जो सेचुरेशन होगा इसको भी इंक्रीज कर दूंगा ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। सो गाइज इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे वाले टूल में ठीक है। नीचे वाले टूल में जाने के बाद जो फोटो क्लियरिटी हुई गाइज आपको उसको बढ़ा देना है ठीक है एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना अपने अकॉर्डिंग ठीक है। आप जितना चाहो विग्नेट उतना डाल सकते हो एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना थोड़ा सा ठीक है। ग्रेन माउंट बढ़ा देना है, फिर जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइज आपको उसको बढ़ा देना है ठीक है। एंड जो नॉइज रिडक्शन होगा गाइज आपको उसको भी थोड़ा बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है ठीक है। तो हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है गाइज ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे गाइज देखिए हमारा जितना भी कलर करेक्शन सब कुछ हमें यहाँ पे कर दिया है गाइज ठीक है। तो जो भी फोटो का रिजल्ट आएगा वो आप सभी के सामने, तो गाइज ऐसा करता हूँ आपसे को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।